ये लीजिएगा। पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। आप और काकू साहब सबसे पहले रस्म शुरू कीजिए, फिर आदि और मैं करेंगे, और फिर हमारे न्यूली मैरिड कपल। नेहा, तुम राज के दाएं तरफ। आदि, नेहा बिन्नी, ये हमारे पूर्वजों की प्रथा है। जैसे गठबंधन का एक बहुत बड़ा महत्व होवे है, जोड़ी का जन जन्मांतर का साथ जुड़ जावे है, वैसे ही मोड़ी बंधन की अपनी ही मान्यता होवे है। मोड़ी को बींद बिंदी अपनी कलाई पे बांध के शिवजी से अपने जोड़े के अटूट होने का आशीर्वाद लेती है। इसीलिए जब तक पूजा पूरी ना हो तब तक ये मोड़ी कलाई पे ही बंधी रहनी चाहिए, भूल से भी टूटने ना पाए। अरे, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो छुट्टी का दिन है। I'm sure आप सरप्राइज हो गए होंगे ना कि ये सारी पुरानी पिक्चर्स कहाँ से आ गई? मैंने बस अरेंज कर ली। You are fired, fired. जरा बता दो ना, कॉन्फ्रेंस रूम में कौन से रंग का पेंट लगाना है? मैं अभी यहाँ काम नहीं करती, सिर्फ अपना सामान लेने आई हूँ। सुनो जी मैम, कॉन्फ्रेंस रूम के लिए हमने ब्लू कलर डिसाइड किया था। जब तक नई इंटीरियर डिजाइनर नहीं आती वही कर दो, काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है मैडम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं अभी आई। आदि, वो मौली बंधन इंसिडेंट के बाद ना काकी माँ कंटिन्यूसली जाप करती जा रही है हमारे लिए। मुझे उनकी हेल्थ के लिए बहुत टेंशन हो रही है। उनकी वीकनेस बढ़ सकती है, तबीयत और खराब हो सकती है, ऐसे में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे उनके पास रहना पड़ेगा। इसीलिए ना शुगर बाइट स्वीट से मिठाई तुम ले आओगे प्लीज, वो स्पेशल ऑर्डर की थी मैंने इस पूजा के लिए। बाय, सी यू सून। Thank you.
से देखिए इस औरत को, हाँ? ये अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए तड़पाती है, उन्हें खाने की महक से ललचाती है। अगर ये औरत कहीं भी दिखाई दे तो कृपया करके अपने बच्चों को पेट भर खाना खिला दे। मेरे पास आलू है, मटर है, पूरी है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास है भूखा पेट और उसे ना भरने वाली माँ। एक्चुअली वो शिवरात्रि के वक्त हम सारे एम्प्लॉयज को गिफ्ट हाउस बेच देते हैं, सो ये आपके लिए। जा वो चांदी जो मिठाई लेकर आई है ना, वो लेकर जी। मम्मा मिठाई। तुम अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, अच्छी बहू नहीं बन पाई, अच्छी माँ तो बन जाओ कम से कम। कैसी माँ हो तुम? आज खत्म करूंगा मैं, पहले हम दोनों की बात थी, अब हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझसे, मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से तुम्हें इतना दूर भेज दूंगा कि तुम्हारे गंदे ख्याल भी उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। So you know what? So, Nisha, I'm gonna divorce you.